हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र MJPRU रोहलखंड यूनिवर्सिटी से है, MJPRU रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से है, तो उनका जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम हो रहा है सेकंड ईयर B.sc सेकंड ईयर वालों की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है 10 जनवरी को आने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा बेटा। 10 जनवरी को आने वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है MJPRU रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के लिए। तो देखो, सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है सभी दोस्तों को। देखो अब देखो, केमिस्ट्री के तीनों पेपर की बात करेंगे हम लोग। और हमने देखो अभी B.sc थर्ड ईयर वालों के लिए जो आज 8 तारीख है, और 8 तारीख को हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे हमें एक दिन पहले कि बेटा ये पढ़ लेना, पूरा 100% की 100% फंसा है उनका, पूरा की पूरा पेपर फंसा है, ठीक है। और हमने प्रूफ करके भी दिखाया, पेपर देख लेना, पेपर अभी हमने अपलोड किया है यूट्यूब पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पे, देख लेना विश्वास ना हो तो। और मैंने आपको देखो, हमने एप्लीकेशन बनाकर प्ले स्टोर पर डाल रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बेटा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। प्ले स्टोर का लिंक है, उसमें आप जाकर आप केमिस्ट्री के MCQ क्वेश्चन जो आते हैं ना, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, उसका ऐप को डाउनलोड कर लेना। उस ऐप से पढ़ोगे ना तो आपको क्या होगा बेटा कि आपको जो 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ रहे हैं वो फंस जाएंगे, तो 20 नंबर के बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे। आप क्या करो, ऐप डाउनलोड कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप का केमिस्ट्री का ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो छात्र जियोलॉजी के हैं तो जियोलॉजी के, जो केमिस्ट्री के केमिस्ट्री उनको दे देंगे, ठीक है। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, कॉपर परिवार के तत्वों को याद कर लेना, जो कॉपर परिवार के एलिमेंट है उनकी विवेचना करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में कहां कैसे उन्हें स्थित किया गया है, ये आप देखेंगे कॉपर परिवार के एलिमेंटों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, बेटा 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व के जो गुणधर्म के आधार पर 4D और 5D श्रेणी तत्वों से करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नर के उपसर्ग सिद्धांत को याद करेंगे, बर्नर के उपसर्ग सिद्धांत को, पहला पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टिक लगाएंगे बेटा। उसके बाद में किलेट यौगिक क्या होते हैं, किलेट यौगिक को पढ़ेंगे, लैंथेनाइड संकुचन को पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है लैंथेनाइड संकुचन के बारे में, एंटीनाइड तत्वों को पढ़ेंगे, एंटीनाइड तत्वों के बारे में, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे संयोजक बंध सिद्धांत कहते हैं, उसकी सीमाएं, उनके उदाहरण को, लिमिटेशन को देखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन याद करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी IUPAC नाम पूछेगा शॉर्ट में, करो तो कर लेना वरना कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नीचे पहुंच जाओ, रिडॉक्स विभव किसे कहते हैं, रिडॉक्स विभव को याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है रिडॉक्स विभव। अम्ल क्षार का लुईस सिद्धांत को, लुईस सिद्धांत को पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के बारे में पूछेगा आपसे, पढ़ लेना, ठीक है। और अम्ल, देखो अम्ल क्षार की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेगा, अम्ल क्षार की अभिक्रिया के बारे में, और साथ ही साथ अक्षेप, देखो अक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेना, शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सिक्के कॉपर, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इस क्वेश्चन को नहीं करना है, नीचे पहुंच जाओ। लीगेंड किसे कहते हैं, लीगेंड को पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है लीगेंड की परिभाषा। नीचे चले जाओ, नीचे केंद्रीय धातु की प्रभावी परमाणु संख्या, केंद्रीय धातु की प्रभावी परमाणु संख्या, देखो केंद्रीय धातु की प्रभावी जिसे हम इफेक्टेड एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मोड कहते हैं, इसको पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, EAM बोलते हैं, EAN बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल वगैरह आता है, अक्रिय गैस वगैरह इसी के अंतर्गत आती है। एक समवेता जरूर पूछी जाएगी, या तो आपसे पूछेगा आयनिक समवेता के बारे में, या पूछेगा आपसे प्रकाशीय समवेता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रकाशीय समवेता और आयनिक समवेता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों को पढ़ लेना अच्छी तरीके से। नीचे चलते हैं, उसके बाद में हम जाएंगे देखो इस क्वेश्चन पर, लक्स फल्ड की संकल्पना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेंगे पेपर, इसमें बस इतना ही पढ़ना है। एक और क्वेश्चन है जो लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, डी ब्लॉक तत्व होते हैं, उनको जिसे हम संकरण तत्व कहते हैं, उनकी परिभाषा, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय गुण और उसके आयनिक यौगिक बनने की विधि, ये हमारा पूरा क्वेश्चन जो आता है वो लॉन्ग में आता है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा, 30 नंबर का क्वेश्चन होगा बेटा, समझ रहे हो, 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसलिए कह रहा हूँ अच्छी तरीके से पढ़ लेना, रट लेना इसको। अब हम ऑर्गेनिक मतलब सेकंड पेपर में जाएंगे, केमिस्ट्री के सेकंड पेपर को ओपन करो बेटा, केमिस्ट्री के सेकंड पेपर में क्या क्या पढ़ेंगे ध्यान से देखो। हाँ, सेकंड पेपर को ओपन कर लिया, देखो ग्लूकोज बनाने की विधि पढ़ लेना, क्रिस्ट्रॉल बनाने की विधि पढ़ लेना, नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि पढ़ लेना, नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि, ग्लूकोज बनाने की विधि और क्रिस्ट्रॉल बनाने की विधि, बस इतना पढ़ेंगे, ठीक है, इतना पढ़ो, छोड़ो स्कोल तार को भी छोड़ो, नीचे पहुंच जाओ फटाफट। गेटरमान कोच अभिक्रिया पढ़ लेंगे, रीमन टीमन अभिक्रिया पढ़ेंगे और कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ेंगे, ये तीन रिएक्शन पढ़ोगे। वियर लेवर्ड का नियम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये शॉर्ट में पूछेगा, ठीक है। और बेंजोइन जो संघनन है उसके बारे में पढ़ेंगे, बेंजोइन संघनन के बारे में,
लैक्टिक अम्ल की परिभाषा, लैक्टिक अम्ल किस प्रकार से बनाया जाता है, टार्टरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में नीचे ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉल्वे अभिक्रिया। कॉल्वे अभिक्रिया बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसको मोस्ट पे लगा लेना, बहुत अच्छी तरह रट लेना है इसको, ठीक है। और नीचे जाएंगे मानक अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मानक अभिक्रिया को पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। और प्रथम एकल को द्वितीय एकल तृतीय एल्कोहल है वो ग्रेग्नेंट अभिकर्मक बनाने की विधि, प्रथम द्वितीय और तृतीय एल्कोहल बनाने की विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर टिक लगा लेना मोस्ट पे। उसके बाद में नीचे पहुंच जाओ, अब पहुंच जाओ तीसरे पेपर में। तीसरे पेपर में हम क्या पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, तीसरे पेपर में बेटा ध्यान दो, तीसरे पेपर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हेल्स का नियम, हेल्स का नियम पढ़ेंगे, हेल्स का लाभ पढ़ेंगे। और सी देखो सी पी माइनस सी बी बराबर आर सिद्ध करो, ये सिद्ध करने के लिए आता है, सी बी माइनस सी बी बराबर आर, इसको सिद्ध करो, ये चौक से याद कर लेना है। जूल थॉमस गुणांक के बारे में याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोलराउस का नियम याद कर लेना, कोलराउस का नियम। नीचे जाएंगे हेनरी के नियम की सीमाएं याद करेंगे, हेनरी के नियम और नियम की सीमाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। जो कहते हैं प्रवस्था नियम जो होता है, प्रवस्था नियम की व्याख्या सीसा रंजक द्वारा करनी है, तो प्रवस्था नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको टिक लगा लेना सीसा जो प्रवस्था नियम के बारे में। मानक इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे, मानक इलेक्ट्रोड की परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों नियम को देख लेना ऊष्मा गतिकी के अच्छी तरीके से। किरचॉफ समीकरण को पढ़ लेंगे, किरचॉफ की समीकरण क्या है बेटा ये देख लेना है, ठीक है। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता को पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता, ठीक है। मुक्त ऊर्जा को छोड़ो, फ्री एनर्जी छोड़ो, ये सक्रण जो सक्रण ऊर्जा होती है इसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ई ए से प्रदर्शित करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर साल पूछी जाती है, मोस्ट पे लगाना, ठीक है। वर्ल्ड वाल्स के तनुता का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना तनुता के नियम को। पीएच मान को छोड़ो, द्रव द्रव संगत विभव के बारे में पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, द्रव द्रव संगत विभव। बर्फ विलयन किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेना, त्रिक बिंदु को छोड़ो, सॉरी त्रिक बिंदु को पढ़ना है बेटा, त्रिक बिंदु को पढ़ना है आपको, त्रिक बिंदु को पढ़ लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है। और लास्ट में सिर्फ ये करूंगा कि बैनर हाइवर्स बॉर्न हाइवर्स साइकिल को पढ़ लेना, ये शॉर्ट में पूछा जाएगा। और लासितेलिया का नियम सिद्धांत, लासितेलिया का सिद्धांत बस इतना पढ़ना है, और एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं देखना है, और कुछ भी नहीं देखना, बस इतना ही पढ़ लेना। ये है 2022 के जो 10 तारीख को 10 जनवरी को होने वाला जो इंप्रूवमेंट पेपर है उसमें आने वाला क्वेश्चन है बेटा, इतने क्वेश्चन आपको पढ़ना है, टिक लगा लिया आपने, दोबारा से वीडियो देख लेना, ठीक है। और इतने क्वेश्चन आपको पढ़ना है ध्यान से, बस इतने क्वेश्चन पढ़ लेना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 90% प्लस आ जाएगा। और जो एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना केमिस्ट्री की, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।